ओके, देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलास्टिसिटी, शीट नंबर 106, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है अभी प्रिंट आउट आ रहा है, जिनके पास है वो 106 लिख लें और बाकी इधर देखें। इलास्टिसिटी का जो चैप्टर है, नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ इलास्टिक मटेरियल्स की बात होगी। तो इलास्टिसिटी के अंदर अगर एक बॉडी इलास्टिक है और आप इसे स्ट्रेच करते हैं तो वापस अपनी शेप को क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी, उसको इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। और जो नहीं कर पाती उसको प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। प्लास्टिक टूट जाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। ठीक, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक लॉ था, लॉ है हुक्स लॉ। हुक्स ने ये कहा था कि अगर आप कोई भी एक इलास्टिक मटेरियल लें, एक वायर लें जो इलास्टिक है, रबर बैंड लें, कुछ भी लें, आप जितना ज़्यादा उसे खींचेंगे उसकी लेंथ उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। सिंपल है, यानी कि एक्स लोड, लोड का मतलब है वेट या फोर्स, किसी भी बॉडी का फोर्स या लोड किस पे डिपेंड करेगा, या किस जो एक्सटेंशन है रादर वो किस पे डिपेंड करेगी, आपने कितना उसके ऊपर लोड लगाया। जितना ज़्यादा आप लोड लगाएंगे वो उतनी ही लंबी होती जाएगी। इसलिए ग्राफ एक्सटेंशन और लोड अप्लाइड का क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, ये इसका ग्राफ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक और डेफिनेशन उसने बताई थी, स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन, तो पहले वो सीखते हैं। वैसे एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट क्या आएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन से मेरा मतलब है, एग्जाम्पल के साथ, अगर आपके पास एक वायर है, इसकी लेंथ एल है, आपने इस वायर को खींचा बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, तो वायर कितनी एक्सपैंड हो गई, बाय डेल्टा एल। तो कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है इसका, लेंथ, तो चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, डेल्टा एल। ओरिजिनल डायमेंशन कितना है, एल, ओरिजिनल लेंथ एल, चेंज डेल्टा एल, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जैसे एक स्फेयर है, आपने हर तरफ से इसे दबा दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, तो वॉल्यूम पहले वी था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, वी डैश, छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया बाय डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बाय वी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेन। तो ठीक लिखी डेफिनेशन, चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन इन जनरल डेफिनेशन है, ये एरिया में भी हो सकता है, ये लेंथ में भी और ये वॉल्यूम में भी। तो अगर लेंथ में स्ट्रेन है इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, अगर वॉल्यूम में स्ट्रेन है इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। एक और टाइप का स्ट्रेन है, और वो स्ट्रेन है कि जैसे आपके पास एक वायर है या एक पोल है, एक खंबा है, वायर है, कुछ भी स्ट्रेट है और वो नीचे से फिक्स्ड है, हवा चली या आपने फोर्स लगाई और ये खंबा टेढ़ा हो गया, ठीक, ये वायर टेढ़ी हो गई, कितना टेढ़ी होगी भाई, थीटा। इस थीटा को भी स्ट्रेन बोला जाता है, तो चेंज इन जो एंगल है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन। तो इस स्ट्रेन का नाम है शेयर स्ट्रेन, शेयर एंगल या शेयर स्ट्रेन एक ही बात है। तो कुल मिला के स्ट्रेन कितने टाइप के हम स्टडी करेंगे, तीन, एक लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल, एक वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक, और एक एंगल शेयर स्ट्रेन। ठीक, ये स्ट्रेन, और क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, हल्का सा बेंड होता है, तो ये डिस्टेंस एक्स है, ये लेंथ एल है, तो टैन थीटा इज एक्स डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि एंगल छोटे हैं तो टैन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो थीटा अप्रोक्सीमेटली कैन बी रिटन एज एक्स बाय एल। इफ नीडेड तो हम इसे पुट कर, इसको वैल्यू पुट करेंगे, नहीं जरूरत तो इसको छोड़ देंगे। पर आपको समझ में आ गया तीन टाइप के स्ट्रेन कौन कौन से हैं। अब इन तीन टाइप के स्ट्रेन के साथ आप स्ट्रेस पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस दो तरीके के है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा सिंपल है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे अगर वायर है, वायर को आप खींचते हैं तो फोर्स कैसे लगाएंगे, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, तो इस स्ट्रेस को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स कैसे लगती है, परपेंडिकुलरली। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसका नॉर्मल स्ट्रेस है। इस वायर वाले एग्जाम्पल में जब आपने इसको पुश किया था, ये टेढ़ी हो गई थी, तो जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया था इसका वायर का साइड से, जो भी शीट थी जो टेढ़ी हो गई, एरिया और ये फोर्स, तो ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये टेढ़ी हो गई, फोर्स बाय एरिया। तो इस
स्ट्रेस को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस का फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर है यहां तक? तो स्ट्रेन तीन टाइप के, स्ट्रेस दो टाइप के। अब हुक्स लॉ पे वापस आ जाते हैं। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज सम कांस्टेंट इन टू स्ट्रेन, या कांस्टेंट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्योंकि स्ट्रेन तीन टाइप के हैं तो कांस्टेंट भी तीन टाइप के हैं। अगर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है और स्ट्रेस नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तभी वायर बड़ी होगी, तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसकी, क्योंकि जब स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल पुट करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसका नाम हो जाएगा यंग्स मॉडुलस वाई। अगर आप स्ट्रेन क्या पुट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो कांस्टेंट का नाम क्या देंगे, यंग्स मॉडुलस। अगर आप स्ट्रेन को पुट करते हैं वॉल्यूम वाला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो कांस्टेंट का नाम क्या देंगे, बल्क मॉडुलस, जिसका सिंबल के या बी। अगर स्ट्रेन क्या पुट करते हैं, शेयर स्ट्रेन, तो इस कांस्टेंट का नाम होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी लिखवाऊंगा मैं ये चीज। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप स्ट्रेन के टाइप्स चेंज कर रहे हैं तो कांस्टेंट के नाम भी चेंज हो जाएंगे। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल, तो इस रेशियो को क्या बोलते हैं, वाई। वाई का मतलब ये एक कांस्टेंट है और वाई का मतलब यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस आपको ये बताता है कोई मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है। हायर द वैल्यू ऑफ वाई, ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है। कम वैल्यू ऑफ वाई, कम इलास्टिक मटेरियल है। वाई है ही नहीं, इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, नॉन इलास्टिक मटेरियल है। ठीक, तो ये रेशियो क्लियर है यहां तक वाई की। अब ऐसे ही अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाय वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आप इस बॉल को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस। कंप्रेस करने से वॉल्यूम क्या होगा, छोटा। डेल्टा वी पॉजिटिव नहीं होगा, डेल्टा वी नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब आप कंप्रेस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इस कॉन्स्टेंट का नाम है के या बी, कुछ भी लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। और अगर स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन थीटा, तो इसको बोलते हैं ईटा। ईटा का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस ईटा का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, तो डेफिनेशंस क्लियर है? तो यहां पे शेयर अगर करना है तो फोर्स जब भी नॉर्मल लगती है ना, नॉर्मल, जैसे आपने वायर में नॉर्मल फोर्स लगाई थी, उससे उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई थी, आपने स्फेयर पे नॉर्मल फोर्स लगाई, वो वॉल्यूम छोटा कर गई। टेंजेंशियल अगर आप बॉल के ऊपर फोर्स लगाते तो उसका साइज चेंज ना होता। शेयर स्ट्रेन में कभी साइज चेंज नहीं होता, सिर्फ शेप चेंज होती है। तो इसलिए नॉर्मल वर्ड कभी नहीं आएगा, शेयर में टेंजेंशियल ही आता है। आप फोर्स ही ऐसी लगाते हैं कि वो टेढ़ी हो सकती है पर साइज चेंज नहीं होगा, ठीक, आएगा ही नहीं। तो तीन डेफिनेशंस क्लियर हैं। हमारा चैप्टर तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे चलने वाला है, बस पूरा लेक्चर बस इसी के ऊपर है। फिर अगला लेक्चर, मतलब ये कम से कम एक डेढ़ लेक्चर लेके जाएगा, आज का भी और नेक्स्ट टाइम का भी, मे भी दो ले जाए फॉर्मूला। और बाकी बहुत छोटे हैं, वो सिर्फ 15-20 मिनट का काम है। मेन तो यंग्स मॉडुलस पे रहेगा। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इस बी का या के का रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कभी कभी न्यूमेरिकल में बल्क मॉडुलस नहीं गिवन होता, कंप्रेसिबिलिटी गिवन होती है, तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल लेंगे और क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस। ठीक, डेफिनेशंस क्लियर है? इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी, लिखें, डेरिवेशन है ये, एनसीईआरटी के लिए आएगी। ठीक, देखो क्या कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, एक ही बात है। ये काम हमने स्प्रिंग के लिए भी किया था, स्प्रिंग में तो इलास्टिक था ना, हमने वर्क डन निकाला था हाफ के एक्स स्क्वायर स्ट्रेचिंग अ वायर, और वही उसके अंदर स्टोर हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही कॉन्सेप्ट था,
वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, एक ही बात है, सेम है, क्योंकि मटेरियल इलास्टिक है तो आप इसे खींचेंगे ये खींच जाएगा और ये बड़ी बड़ी हो जाएगी वायर। पर ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, लेकिन जब आप इसे रिलीज करेंगे तो वायर फिर ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब इसमें क्या स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी, तो एक ही बात है। तो अगर वर्क डन निकालेंगे वही इसकी एनर्जी है। तो कैसे निकालेंगे, अगर लेंथ इसकी कैपिटल एल ओरिजिनल है और इंक्रीज इन लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, डेल्टा एल की जगह स्मॉल एल, इंक्रीज इन लेंथ लिखा हुआ है, कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ है, स्मॉल एल इंक्रीज इन लेंथ है, तो यंग्स मॉडुलस क्या है वायर का, वाई इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कौन सा लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला बना सकते हो कैपिटल ए, कैपिटल ए, फोर्स अपॉन एरिया कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना है, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, स्मॉल एल का मतलब इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या पॉइंट क्लियर है, तो स्मॉल एल बाय कैपिटल को ठीक तरह करके लिखोगे फोर्स बाय एरिया, स्मॉल एल बाय कैपिटल ऊपर चला गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। याद रखना हायर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको खींचने के लिए। जैसे मान लो आपके पास एक कॉपर की वायर है, एक एल्यूमिनियम की वायर है, और मान लो एरिया दोनों का सेम है, इंक्रीज इन लेंथ भी आपने सेम करनी है और ओरिजिनल लेंथ भी तीनों की सेम थी, ये सेम है, तो फिर भी फोर्स अलग अलग लगानी पड़ेगी उनको खींचने के लिए, क्योंकि दोनों का मटीरियल डिफरेंट है। और वाई किस पे डिपेंड करता है, मटीरियल पे, कितना सब्सटेंस इलास्टिक है और कितना कम इलास्टिक है। तो ये नहीं है कि अगर सेम किस्म की वायर्स है तो फोर्स भी दोनों में सेम लगेंगी, नहीं, किसी में ज्यादा किसी में कम लग सकती है। तो फोर्स आ गई, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, एफ इंटू स्मॉल चेंज इन लेंथ कितनी है, डीएल, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डीडब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डीएल। ठीक, एफ की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर दी, ये मैंने रिप्लेस कर दी एफ की जगह, ठीक, ये क्या आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेट करेंगे जीरो से डब्ल्यू, हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एल है तो लिमिट भी स्मॉल एल की लगेगी, सारे कॉन्स्टेंट बाहर आ गए एक्सेप्ट स्मॉल एल, तो कितना खींचना है वायर को, जीरो से स्मॉल एल, तो एल की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल स्क्वायर बाय टू, जीरो से स्मॉल एल लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, स्मॉल एल स्क्वायर, ठीक, स्मॉल एल स्क्वायर, तो स्मॉल एल स्क्वायर को दो बार लिखा, स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल, वाई ए स्मॉल एल कैपिटल एल क्या है, फोर्स, तो फोर्स इंटू स्मॉल एल, ये प्रूव करके आना है आपने, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर फॉर्मूला याद कर सकते हो, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर इज हाफ इंटू जो भी आपने फोर्स अप्लाई की इंटू जो भी इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सटेंशन, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, क्या यह प्रूव हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, तो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। ठीक, तो बोलो, हम ना वायर सिलेंड्रिकल वायर ही लेते हैं, रेंडम वायर नहीं ले रहे हम कोई भी, तो चेंज हो जाएगा, सेम किस्म की वायर लेनी है, सिलेंड्रिकल वायर के लिए है बस एक्सप्रेशन करेंगे, आएगी सिलेंड्रिकल वायर, आएगी नहीं, ठीक, तो क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, वर्क डन की वैल्यू आई हाफ इंटू फोर्स सप्लाइड इंटू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, राइट, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब एक काम करेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर, तो ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ये था और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, वैसे बता दूं तो ये यू भी हो सकता है और ये डब्ल्यू भी हो सकता है, तो लिख लो इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कहीं एक्सप्रेशन आ जाए स्कूल में, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेचिंग अ वायर, तो आप सोचो वो तो करवाई नहीं, वर्क डन करवाया है, बात एक ही है, तो वर्क डन निकाल दिया या पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, बात एक ही है, क्या पॉइंट क्लियर है। ठीक, आगे, अब क्योंकि वर्क डन इज हाफ इंटू एफ इंटू एल, हम एक काम करते हैं दोनों साइड्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, किसका वॉल्यूम, वायर का वॉल्यूम, एक वायर का वॉल्यूम है कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इंटू एल, सिलेंड्रिकल वायर एरिया इंटू एल,
ठीक, तो ये अब लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क डन नहीं रहा, क्या आ गया? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। और स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नोट करो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये याद करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्लियर। अब इसके बाद इसको भी मॉडिफाई करेंगे दो बार और। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वाई क्या होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? वाई इंटू स्ट्रेन। इस स्ट्रेस की जगह पुट कर देते हैं वाई इंटू स्ट्रेन, तो ये फॉर्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा? वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला आ गया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम में हमने स्ट्रेस को क्या लिख लिया? वाई इंटू स्ट्रेन, तो वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये और ये फॉर्मूला वन एंड दी सेम थिंग। एक बार फिर मॉडिफाई करते हैं। स्ट्रेन कैन बी रिटन एज स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप इस बार इस फॉर्मूले में स्ट्रेन की जगह पुट करो स्ट्रेस अपॉन वाई, तो क्या बन जाएगा? हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला वन एंड दी सेम थिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब एक ग्राफ है, ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो ये पेज नंबर 9 पे एक्सप्लेनेशन है, यहां पे चलते हैं। चलो 9 नंबर पेज पे। इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये स्कूल में आएगा दिसंबर एग्जाम में, प्रूफ करना, ये पूरी थ्योरी आएगी। ठीक, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ग्राफ प्लॉट करना है किसका? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कोई भी एक इलास्टिक वायर ले लेंगे। चलो ये मैंने एक इलास्टिक वायर ले ली, ये इलास्टिक वायर, और सीलिंग से इसको टांग दिया। ओरिजिनल लेंथ है इसकी ये, और मान लो ये पॉइंट है ओ। ठीक, मैं एक्सपेरिमेंट यहां करूंगा लेकिन ग्राफ वहां ड्रॉ करूंगा। तो ये ओ पॉइंट है, मैंने क्या किया इस पे फोर्स अप्लाई की, तो ये थोड़ी लंबी हो गई वायर, इलास्टिक है थोड़ी लंबी हो जाएगी। कितनी लंबी हो गई? सपोज ये ए पॉइंट तक लंबी हो गई ए। तो मैंने क्या अप्लाई किया होगा इसको एक्सटेंड करने के लिए? स्ट्रेस। और इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? स्ट्रेन। आप चेक कर सकते हो, देयर इज चेंज इन लेंथ स्ट्रेन। ठीक, और हुक्स ने क्या कहा था? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आप चेक कर सकते हो, ग्राफ ओ से स्टार्ट हुआ ए तक गया, और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और हुक्स ने जब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहा था तो इलास्टिक बॉडीज के लिए कहा था, इसीलिए यहां से यहां तक कौन सा बिहेवियर है? इलास्टिक बिहेवियर है, दिस इज इलास्टिक बिहेवियर। तो यहां तक ओ से लेके ए तक इस इलास्टिक बॉडी ने इलास्टिक बिहेवियर को शो किया। ठीक हो गया यहां तक? इलास्टिक बिहेवियर समझते हो। अगर मैं ए पॉइंट से इसको छोड़ देता हूं तो वापस कहां पर आ जाएगी? ओ पे। इसी को तो इलास्टिक बोलते हो, अगर वापस ही ना आ पाई फिर कहां की इलास्टिसिटी? राइट, वापस आ जाएगी, इसको छोड़ दे, पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ दिया ओ पे आ जाएगी, इलास्टिक बिहेवियर है। और इस दौरान हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। आपने क्या किया? आपने इस ए पॉइंट से ज्यादा खींच दिया, सपोज आपने कहां तक खींचा? बी तक खींच दिया, बी तक, बी तक। इस बी पॉइंट को बोलते हैं, और जो ए ओ से लेके ए, या जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इस ए पॉइंट का नाम है प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि जब आप ओ से लेके ए तक खींच रहे थे तो स्ट्रेस वॉज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनैलिटी का लॉ फॉलो होता था। ठीक, तो इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्योंकि मैथ्स में एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन है। तो ए पॉइंट तक ए पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट है, ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक,
देखो लेट अस सपोज आपने अभी तक ए तक खींचा था तो प्रोपोर्शनल लिमिट फॉलो हो रही थी, अब क्या करते हो आपने उसको और खींच दिया, इस लिमिट से आप आगे चले गए बी तक। अब आपको यह कहा गया कि भाई अभी भी देख ले बी तक, अगर आप इसको छोड़ते हो वापस ये अभी भी ओ तक आ जाएगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा खींच दिया, आपने नोट किया होगा रबर बैंड को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, अल्टीमेटली वो लूज हो जाता है और उसकी इलास्टिक लिमिट इलास्टिसिटी खत्म ही हो जाती है। तो आपको वॉर्न किया गया था कि बी पॉइंट के आगे मत खींचना, क्योंकि बी तक अभी भी चांस है इसको छोड़ोगे ये वापस ओ पे आएगा। तो बी पॉइंट का क्या नाम है, बी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट में है, इसको एक और पॉइंट बोलते हैं यील्ड पॉइंट बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। कि अब इसके ऊपर अगर आप गए तो इसकी इलास्टिसिटी लूज होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ए और बी के बीच में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। इसीलिए ग्राफ ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन नहीं आया, कर्व आ गया। इसका मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कुछ देर के लिए ही हुक्स लॉ चलता है, कुछ पोर्शन में उसके बाद तो हुक्स लॉ फेल हो जाता है, नहीं चलता, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ चलता था, तभी इसका नाम क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनल लिमिट खत्म हो गई, इलास्टिक लिमिट अभी भी अगर आप चाहो और इसको छोड़ो तो ये ओ पे रुकेगा, लेकिन आप नहीं हटे, आपने इसकी इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस कर दिया। अब क्या हुआ, आपने इसको और खींच दिया। अब खींचने में रह भी क्या गया, इतनी पतली वायर कर दी आपने, इतनी पतली वायर कर दी कि बस अब टूटी और अब टूटी, इतनी पतली हो चुकी है खींच खींच के कि अब अगर आप हल्का सा भी जोर लगाते हो वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है। देखो आप हल्का सा स्ट्रेस बड़ा कम लगाते हो, स्ट्रेस कम है, लेकिन स्ट्रेन देखो बहुत ज्यादा आ जाता है। पर अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं यहां पे वायर को छोड़ दूं ओ पे आएगा, वो नहीं आएगा। आप इसके बाद जैसे सी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट सी ले लो, आपने लिमिट क्रॉस कर दी, अब अगर आप इसको यहां से रिलीज करते हो ये वायर ओ पे नहीं आएगी, ओ डैश पे आ जाएगी, यानी कि वायर परमानेंटली लंबी हो चुकी है, परमानेंट स्ट्रेन सेट हो चुके हैं उसमें। देखो सी पॉइंट बी पॉइंट से आगे है, ई पे आके रुकेगी, दिस इज परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट सेट हो चुका है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये परमानेंटली इसके अंदर रुक चुका है, कोई डाउट इसमें? ठीक, परमानेंट स्ट्रेन आ गया। और उसके बाद जब आप सी के बियॉन्ड और चले गए, फिर तो यार प्लास्टिक बिहेवियर ही शुरू हो गया। प्लास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, उसको खींचोगे ठीक है वो टूटी नहीं, वो वापस भी नहीं जाएगी। रबर बैंड इतना पतला हो चुका है, खींच रहे हो खींच दो और बड़ा हो जाएगा, पर वापस नहीं जाएगा। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, और खींचोगे तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा या फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, अब वो टूट जाएगा, क्वेश्चन बस खत्म हो गया, एक्सपेरिमेंट, रबर बैंड टूट गया। तो मतलब खींचने से टूटने तक क्या क्या स्टेजेस है, समझ में आ रहा है? कि शुरू में हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, फिर इलास्टिक लिमिट तक एप्लीकेबल है, फिर उसके बाद सी पॉइंट है, परमानेंट स्ट्रेन आ गया, उसके बाद वो टूट गया। तीन पॉइंट्स को ऐसे मेंशन किया गया है, ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ अभी होता है, आफ्टर पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं सेट रहती, नॉट प्रोपोर्शनल है, इसको यील्ड या इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, बियॉन्ड पॉइंट भी आप परमानेंट इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, फ्रैक्चर या फिर पॉइंट ब्रेक हो जाता है। बोलो मतलब इलास्टिसिटी तो है पर मैथमेटिकली फॉलो नहीं हो रहा, नहीं होता, प्रोपोर्शनल नहीं है, पर लेकिन हाँ इलास्टिसिटी लूज नहीं हुई अभी तक, वापस आ जाएगी, पर लॉ नहीं फॉलो होता। मैं ये भी बता दूं आपको, ये ग्राफ काम कैसे आता है ये भी सुन लो। आप सोचेंगे इसमें क्या है, रबर बैंड तोड़ दिया खत्म हो गया, ये एक्चुअली काम आ रहा है जहां पर लिफ्ट के साथ जो रस्सी बांधी जाती है ना, जिससे लिफ्ट में 10-10 लोग 15-15 लोग चले जाते हैं और खींची जाती है। अगर ये ग्राफ ना पड़े ना, ये ना पता लगे, मतलब या तो रस्सी है या गई, क्या पता वो इस स्टेज में आ चुकी है,
अगर वो इस स्टेज में है, समझो अब गई, अगर वो इस स्टेज में है, इस स्टेज में है, फिर यानी कि बहुत इलास्टिसिटी है, अगर वो इस स्टेज में है, बहुत इलास्टिसिटी है, इस स्टेज में है, वार्निंग है कि इलास्टिसिटी थोड़ी सी लूज हो गई है, पर फिर भी अभी इलास्टिसिटी है, लेकिन जब ये क्रॉस हो गई और परमानेंट उसमें वो खिंचने लग गई, अल्टीमेटली अब वो कुछ दिनों के बाद रस्सी टूटी जाएगी। तो इस तरीके से स्टेजेस स्टडी कर रहे हैं मटेरियल की, ताकि इससे पहले कि ये स्टेज आए हम रस्सी को चेंज ही कर देंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये ऐसे फिनोमेना चलते हैं इलास्टिसिटी के। ठीक, लिख लोगे ग्राफ के साथ, ये आएगा पेपर में। वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें। लेंथ है, मेरे क्या लगता है, डेल्टा एल फ्रैक्शन, डेल्टा एल बाय एल फ्रैक्शन है ना, 0.31 फ्रैक्शन, मैक्सिमम 1 होती है ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट की हुई है। ओके, वापस आ जाओ यहीं पे। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं इन फॉर्मूलाज को, और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा आज, दो दो शीट्स का, कम से कम 25-30 क्वेश्चन का, आप घर पे ट्राई करना। कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ ब्रास बार ऑफ लेंथ गिवन। तो क्या गिवन है? लेंथ गिवन है, एल गिवन है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया भी गिवन है। When compressed by a load of 5 kg weight, यानी कि फोर्स भी गिवन है, फोर्स 5 kg वेट है, तो मैंने फोर्स में भी बताया था, kg वेट को अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर न्यूटन में आ जाएगा। न्यूटन लिख लो यहाँ पे, न्यूटन, 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन, ठीक, न्यूटन। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, और लेंथ आपको कैपिटल एल गिवन है 0.2 मीटर। क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है, और यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। अब एनर्जी का फॉर्मूला या वर्क डन का फॉर्मूला हमने किया, हाफ इनटू फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ। फोर्स तो आपको पता है, पर आपको क्वेश्चन में डेल्टा एल नहीं पता, डेल्टा एल की बजाय क्या गिवन है? वाई। तो आप ऐसा करें, वाई इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल, इस डेल्टा एल की वैल्यू को उठा के यहां पुट करते हैं तो ये टर्म आ जाएगी, एफ इनटू एफ, एफ का स्क्वायर। फोर्स आपको पता है, लेंथ आपको पता है, यंग्स मॉडुलस आपको पता है, और एरिया भी आपको पता है, पुट करके डेल्टा एल कैन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड क्लियर है कि कैसे डेल्टा एल को रिप्लेस करके आपने फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे क्वेश्चन है कि एक स्टील वायर है ऑफ 4 मीटर लेंथ, तो स्टील वायर की लेंथ का मतलब कैपिटल एल गिवन है, तो कैपिटल एल कितना गिवन है इसमें? 4 मीटर। स्ट्रेच्ड थ्रू 2 mm, क्या गिवन है? डेल्टा एल गिवन है।
क्रॉस सेक्शनल एरिया ए गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, वाई गिवन है, क्या निकालना है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का सिंबल होता है यू, बड़ा यू। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल होता है छोटा यू। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी छोटा यू, एनर्जी बड़ा यू। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने वायर का वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकाला कितना? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रे। तो एक्चुअल में वो क्या था? वो एनर्जी डेंसिटी ही थी। तो जो हमने डराइव की थी ना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो एनर्जी डेंसिटी थी। क्लियर है? तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर एक और फॉर्मूला किया था, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। आपको क्वेश्चन में वाई पता है, वाई पता है आपको, डेल्टा एल और एल भी पता है, डेल्टा एल भी पता है और एल भी पता है, 4 मीटर एल पता है। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, और वैल्यूज पुट करके डेल्टा एल और एल की एनर्जी डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। और यूनिट्स क्या आएंगे? जूल पर मीटर क्यूब ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कोई डाउट इसमें? ठीक, इसी का एक और पार्ट है, फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी वायर। अब आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। आपको अभी क्या निकाला आपने? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या थी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी क्या बनेगी? एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी आपने निकाल ली थी वॉल्यूम वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ए इंटू एल। तो एरिया पता है, लेंथ पता है, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगी? एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। देखो कितना समझ में आ गया ये। देखो इसमें निकालना क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, 2.5 mm को 2 से डिवाइड करेंगे, 1.25 mm रेडियस आ गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 kg वेट, 100 kg वेट को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आ गया, पर इस सॉल्यूशन में उसने डाइन में कन्वर्ट कर लिया, बाय 10^5 से मल्टीप्लाई करके डाइन्स में आ गया। क्यों किया? क्योंकि यंग्स मॉडुलस के यूनिट किस में चल रहे थे? डाइन्स में। अगर ये न्यूटन मीटर स्क्वेयर होता तो फिर न्यूटन में रहने देते, एक जैसे यूनिट करने जो भी करने हैं। तो आपको यंग्स मॉडुलस पता है, फोर्स बाय एरिया, डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल बाय एल आ गया। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर आपको डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 निकालना है। फोर्स आपको पता है, 100 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। आर आपको पता है, वाई आपको पता है, सॉल्व करके परसेंटेज आएगी। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल के बने, मतलब कि वो स्ट्रेस जिससे कि वो टूट जाएगी इसके, मतलब या ऐसे बोलना चाहिए कि ये वो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, लिख दिया मैक्सिमम स्ट्रेस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस आपने लगा दिया तो वायर टूट जाएगी। तो ये लास्ट वैल्यू है, कह रहे फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर विच मे बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग। तो मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक वायर कंसिडर करूंगा, ये रही वायर, बोलो मैं इसे कितनी लेंथ रखूं, इतनी या और बढ़ाऊं या और बढ़ाऊं या और बढ़ाऊं या और बढ़ाऊं या और, क्यों, इससे क्या हो रहा है, बढ़ने से इसका वेट बढ़ रहा है, और जब इसका वेट बढ़ रहा है तो हो सकता है कि इसमें इतना स्ट्रेस हो जाए कि खुद अपने वेट से टूट जाए। ठीक, बांध तो प्रॉपर दिया, पर ऐसा भी हो जाता है अगर वायर बहुत भारी है और यहां से आपने पक्का बांधा हुआ है तो हो सकता है उसका वेट इतना बड़ा हो जाए कि वो खुद ही टूट जाए। तो वो यही पूछ रहा है कि मैं लेंथ बढ़ाता जा रहा हूं ताकि उसका वेट बढ़ता जाए, तो बताओ कितनी लेंथ रखूं कि बस अगर इससे ज्यादा लेंथ रख दी तो टूट जाएगा। तो मुझे पता है जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। ठीक, फोर्स इसमें कौन इसको तोड़ेगा, इसका खुद का वेट। मास क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू डेंसिटी, ये क्या आ गया, इसका मास आ गया। तो ये क्या आ गया, इसका स्ट्रेस। अब एक बात बताओ, अगर आप स्ट्रेस मैक्सिमम रखते हो लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम, तो लेंथ को भी क्या रखना पड़ेगा, तभी तो राइट हैंड साइड मैक्सिमम। अब एक उधर देखो, आप अगर लेंथ को बढ़ाते जा रहे हो तो ये टर्म बढ़ती जाएगी, आपको कितनी रखनी है कि ये टर्म भी मैक्सिमम हो जाए और ये टर्म भी मैक्सिमम। मैं ये मैक्सिमम वर्ड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर कौन सा स्ट्रेस गिवन है, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस वर्ड यूज करेंगे तो लेंथ भी ऑटोमेटिकली क्या आएगी, मैक्सिमम, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट्स है सारे, तो चेंज नहीं हो रहे, तो लेंथ भी मैक्सिमम आएगी। तभी उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड मैक्सिमम लेंथ, तो आप चेक कर सकते हो वेट की, तो मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है व्हेन वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इट टेंड्स टू ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, लिख दिया मैंने। वेट क्या है, mg, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ए मास इनटू डेंसिटी, यो m इनटू g बाय एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, तो l रो g। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, l, आपको मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली l कैन बी कैलकुलेटेड। इतनी लंबी लेंथ रखेंगे, एरिया इनटू लेंथ, सिलेंडर का एरिया a इनटू l, वॉल्यूम नहीं होता। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है, इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार देखें। वेट बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो उसमें वो मटेरियल ज्यादा लगेगा। देखो
ये क्वेश्चन लंबे तरीके से किया हुआ है, मैं आपको इसका एक लाइन का सॉल्यूशन बताता हूं, एक लाइन में हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि अगर ये वायर है, ठीक, ये वायर है, ये वायर के ऊपर मास, देखो पहले तो एक बात को समझो कि अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि ये एक वायर है और नीचे एक वेट लगा हुआ है एमजे, एक ब्लॉक लगा हुआ है एमजे, इसका यंग्स मॉडुलस है वाई, तो वाई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो मैं इस क्वेश्चन में फोर्स क्या पुट करूं, वेट एमजे, कोई डाउट इसमें? पर वेट तो ब्लॉक का है, वही इसमें टेंशन जनरेट करेगा, तभी वेट एमजे पुट किया जा रहा है। इस प्रॉब्लम में वायर का मास नहीं लिया मैंने, अगर लिया होता फिर दोनों का मास ना लेता। तो क्वेश्चन पढ़ के करना है, क्या वायर मासलेस है? वो नहीं देखना अभी, वो कुछ और क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। वायर अगर मासलेस है, इस क्वेश्चन का उससे लेना देना नहीं है, मैं एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर वायर मासलेस है और नीचे ब्लॉक लगा हुआ है, फिर ठीक है, फिर अपने ब्लॉक का वेट ले लेना है जो फोर्स जनरेट कर रहा है, वायर का तो मास ही नहीं है, तो फिर फोर्स की जगह mg। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सपोज दूसरा केस, अगर ये ब्लॉक नहीं लगा हुआ, ब्लॉक नहीं लगा हुआ, ठीक, वायर का खुद का मास है, ठीक, जो मास है थोड़ी मोटी वायर है और मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी वायर, तो इस वायर के ऊपर मास है। तो जब अब मैं इसमें यंग्स मॉडुलस में फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल पुट करूंगा, तो कोई मुझे बताएगा कि अब मैं फोर्स क्या लूं, वायर का खुद का वेट? अब कौन इसको एक्सपैंड कर रहा है, ब्लॉक तो नहीं कर रहा, वायर का वेट कर रहा है, वायर का वेट की जगह यहां पर क्या पुट करेंगे, mg। कोई डाउट इसमें? वायर का वेट mg पुट करेंगे, अगर ब्लॉक होता तो ब्लॉक का वेट, अगर वायर अगर एक्सपैंड कर रही है तो वायर का वेट। वायर की लेंथ कितनी है, एल, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, कितने लोग बोलते हैं एल ही रहेगा क्योंकि वायर की लेंथ तो एल है। ओके, क्या करें चेंज, एल प्लस डेल्टा एल, एल होता क्या है, वायर की लेंथ है ना, ऐसे वायर की लेंथ यही बोलते हैं, एल होता है, वायर की लेंथ तो होती है, लेकिन वायर की लेंथ होती है जहां पर क्या अप्लाई की जा रही है, फोर्स, जैसे ब्लॉक वाले केस में जहां से उसको सस्पेंड किया और जहां उसकी फोर्स लगी वो लेंथ लेनी होती है एल। अब प्रॉब्लम ये है, यहां तो ब्लॉक ही नहीं है, यहां तो मास ये भी है, 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चेन वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे, बाय सेंटर ऑफ मास, तो इसका मास कहां शो करूं, इसका मास कहीं इसके सेंटर ऑफ मास में शो किया जाएगा। तो हम ये बोलेंगे वायर का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल मास कहां पर पड़ा हुआ है, ये। अब सीलिंग से इसकी लेंथ क्या हो गई, चेन वाली सेम प्रॉब्लम हो गई, एल बाय टू, तो एल की जगह क्या पुट करेंगे, एल बाय टू। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप एक चीज इसमें नोट कर लें, इसके सॉल्यूशन में जो मैं बताने जा रहा हूं, आप इसे ऐसे करेंगे कि अगर एक वायर खुद अपने वेट से लंबी हो रही है अंडर इट्स ओन वेट, तो आपने उसका मास कहां पर लेना है, सेंटर ऑफ मास पे, तो वेट कहां पर लेना है, इसके सेंटर ऑफ मास पे, ये बनाओ। फिर आपने इसमें लिखना है वाई इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो एल की जगह क्या पुट करना है, एल बाय टू, और फोर्स की जगह इसका वेट, तो वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय टू एरिया डेल्टा एल, तो वायर कितना लंबा होगी, वायर लंबी होगी टू एरिया वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंशन इन वायर आएगा। और यही ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक वायर को टांग दिया गया, डेल्टा एल बताओ क्या होगा वायर का, मैंने इंटीग्रेशन से किया, वो भी समझा दूंगा कैसे किया, बट बिना इंटीग्रेशन ज्यादा बेटर है, तो बिना इंटीग्रेशन के याद हो जाएगा। आपने अगर एक वायर अंडर इट्स ओन वेट, अपने ही वेट की वजह से लंबी होती है, आपने लेंथ एल नहीं लेनी, आपने लेंथ एल बाय टू लेनी है। क्लियर है यहां तक? तो ये नोट कर लें और आप चेक भी कर लें, इस जो लंबे रास्ते से क्वेश्चन किया, इसका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम है, ये ज्यादा बेटर है, ऑब्जेक्टिव में ये चलता है, वो चेन वाली प्रॉब्लम है सेम।
जी, ठीक है यहाँ तक। तो ये करने की जरूरत नहीं, मेडिकल वालों को तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल वालों को ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, नॉन मेडिकल में भी बहुत बार आया है, पर इसका टेक्निक यही है, सबसे आसान टेक्निक है। और वैसे नॉन मेडिकल वालों के लिए एक लाइन में समझाऊंगा, उनको थोड़ा सा होता है कि चलो थोड़ा एक्चुअल मेथड कैसे करना है। एक्चुअली हुआ क्या इसमें, यहाँ पर ये मास ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके ऊपर टेंशन कम है, लेकिन ऊपर वाले पे टेंशन ज्यादा है, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे वायर की टेंशन बढ़ती जाएगी। तो ये ज्यादा एक्सपैंड होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये बिल्कुल ही कम होगा। तो हर की एक्सपेंशन डिफरेंट है, तो बनती तो इंटीग्रेशन ही है कि हम हर की एक्सपेंशन निकालें और सबको इंटीग्रेट करें, टोटल एक्सपेंशन निकालें। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया एक्स डिस्टेंस पे, तो ये एल माइनस एक्स है। तो यहां पर फॉर्मूला यूज करते हुए स्मॉल इलोंगेशन, इलोंगेशन का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स की जगह पुट किया, ये स्ट्रिप है, इस पर कितनी फोर्स लगेगी, इतना वेट जितना इसका वेट है, इसका वेट निकाल लिया, डब्ल्यू बाई एल का मतलब वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इनटू लेंथ एल माइनस एक्स, इसका वेट आ गया। इसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स है, एरिया इसका ए और वाई, ये स्मॉल इलोंगेशन निकाल ली। टोटल के लिए जीरो से एल तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट, पर आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ वैसे ही समझाया मैंने कैसे किया, आपको नहीं करना, आपको सेंटर ऑफ मास से करना है। क्लियर है यहां तक, ठीक, जरूरत नहीं है उसकी, वो मैं उल्टा मैंने लंबा कर दिया, मुझे इसी से करना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है यहां तक। तो ये मेथड क्लियर है, ये ठीक है, ठीक। इस क्वेश्चन को पढ़ना है प्लीज, लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 meter इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय मींस ऑफ 2 vertical wire। डायग्राम में दिख रहा होगा, एक रॉड है और 2 wires हैं, एक स्टील की है और एक ब्रास की है, उनको लटका दिया रॉड को। वन ऑफ द वायर इज ऑफ स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 गिवन, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 गिवन है स्टील का, ऐसे ही ब्रास का भी गिवन है। फाइंड आउट द पोजिशन अलोंग द रॉड, रॉड के ऊपर एक पॉइंट ढूंढो एट विच अ वेट मस्ट बी सस्पेंडेड टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस। तो ए पार्ट है कि बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट होगा यहां पर जिसपे मैं वेट लगाऊं, अब वेट लगाने से जोर पड़ेगा नीचे की तरफ, तो मैं ये चाहता हूं कि स्ट्रेस इन दोनों वायर में सेम पड़े, स्ट्रेस सेम का मतलब फोर्स बाय एरिया दोनों में सेम हो। कोई कहता मिड पॉइंट पे लगा दो, मैं लगा तो दूं मिड पॉइंट पे, उससे वेट डिवाइड भी हो जाएगा आधा आधा, इधर जोर बराबर पड़ेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि एरिया एक का ज्यादा है एक का कम है।
मुझे फोर्स बराबर नहीं देनी दोनों की। अगर मुझे ये क्या करना होता ना कि दोनों को बराबर बराबर फोर्स मिले, फिर मैं मिड पॉइंट पे टांग देता। उसने कहा फोर्स बराबर नहीं करनी, क्या बराबर करना है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब जिसका एरिया ज्यादा होगा तो मुझे उसकी फोर्स को वैसी देनी पड़ेगी ताकि रेशियो रिमेन सेम। जिसका एरिया ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा, जिसपे एरिया कम उसकी फोर्स कम, ताकि रेशियो रिमेन्स सेम। तो इसीलिए वेट मिड पॉइंट पे नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें मान लेते हैं कि 2 मीटर की रॉड है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे लगेगा, तो मुझे एक्स बताना है। तो स्ट्रेस होगा क्या? इसमें टेंशन आ जाएगी डिफरेंट, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है। वैसे ही वेट मिड पॉइंट में भी है, मिड पॉइंट में है नहीं। तो यहां टेंशन T1, यहां T2। तो स्टील वायर में स्ट्रेस क्या होगा? T1 डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और इस वायर का स्ट्रेस क्या होगा? T2 डिवाइडेड बाय A2। उसने क्या कहा? स्ट्रेस क्या होना चाहिए? सेम। तो मैंने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके T1 और T2 एक तरफ, एरिया एक तरफ, दोनों के एरिया गिवन है A1 A2, पुट किया, टेंशन की रेशियो आ गई। पर मुझे टेंशन की रेशियो थोड़ा निकालनी है, मुझे तो एक्स निकालना है। अब रॉड ऐसे टिकी हुई है, देयर इज नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, घूम तो रही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तो नहीं भूल गए, सी सॉ वाले क्वेश्चन वही है ये। तो सी पॉइंट के अबाउट ना तो ये ऐसे घूम रही है ना ऐसे घूम रही है, तो इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क सेम। तो यहां से क्या टॉर्क होगा? T1 इंटू एक्स। यहां से क्या टॉर्क होगा? T2 इंटू 2 माइनस एक्स। तो ये देखो टॉर्क को इक्वेट कर दिया दोनों के, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया एकदम। तो यहां से T1:T2 की रेशियो आ गई। T1:T2 हाफ है, T1:T2 ये वैल्यू है। इन दोनों को इक्वेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स आ गया। तो पॉइंट समझ में आया? तो एक तो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी लगेगा। ठीक है यहां तक? अब कोई कहता हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी लगेगा? प्रैक्टिस, एक बार पता कर लिया तो अगली बार अपने आप याद आ जाएगा कि ऐसे किया था। ठीक, और कोई तरीका ही नहीं है, प्रैक्टिस का काम प्रैक्टिस ही करेगी। ठीक, उसी तरीके से बी पार्ट है, वो कह रहे हैं अब फिर से एक्स निकालो, फिर से नया क्वेश्चन, मैं वेट कहां लगाऊं, एक्स बताओ, कि जब अब स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन इक्वल हो जाए। अब वाई क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस बाय वाई। पहली वायर का स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस क्या था? फोर्स बाय एरिया बाय यंग्स मॉडुलस y1। दूसरी वायर के लिए t2 a2 स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन आ गया। दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेट करके t1 t2 एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। एरिया पता है, यंग्स मॉडुलस स्टील का पता है और कॉपर का पता है। सॉल्व करके t1:t2 हाफ आ जाएगा, ठीक, सॉरी 1 आ जाएगा, सॉल्व नहीं किया पर 1 आएगा। और फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से t1:x t2:2 माइनस एक्स, t1:t2 आ गया। यहां से t1:t2 1 आ गया, यहां से 2 माइनस एक्स बाय एक्स आ गया। इक्वेट करें, फिर से एक्स आ गया। तो रूल वही है, एक बार स्ट्रेस इक्वल कर दिया, एक बार स्ट्रेन इक्वल कर दिया, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो एज इट इज है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि प्रॉब्लम कैसे होगी? ये नहीं करना भाई, ये नहीं करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ये बताया गया है कि कहां ये डेली रूटीन में चीजें यूज होती हैं जो हम कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है, एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड अ इलास्टिक लिमिट। तो अगर कोई मशीन का पार्ट है जिसपे जोर पड़ रहा है और वो दब के कंप्रेस हो सकता है या एक्सपैंड हो सकता है, तो उसकी इलास्टिक लिमिट को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया जाता, क्योंकि एक बार प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो गई बस फिर तो उसने टूट ही जाना है। तो उसको इलास्टिक लिमिट से आगे क्रॉस नहीं करवाते। जैसे एग्जांपल है, मेटालिक रोप्स यूज्ड इन लिफ्ट। लिफ्ट के केस में जो रस्सी यूज हो रही है, मैंने बताया था, उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जब तक है तब तक रस्सी चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई, फिर वो मेंटेनेंस मांगेगी और उसकी जो स्ट्रिंग है आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज। क्योंकि आप इलास्टिक लिमिट को जब क्रॉस करवाते हो, उसकी इलास्टिसिटी अगर खत्म हो जाती है, बस अब वो खिंच के क्या हो जाएगी, नहीं तो टूट जाएगी, तो चेंज करेंगे। ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर यूज आफ्टर लॉन्ग यूज, स्टेटमेंट कुछ गलत लिखी हुई है, क्योंकि ब्रिजेस में क्या होता है, जो ब्रिज है वो झूल रहे होते हैं ऐसे, ट्रैफिक जब जाता है तो हिलते हैं, इलास्टिसिटी है, नहीं तो ऊपर नीचे कैसे होंगे,
पिलर्स के ऊपर खड़े हो जाओ, हाईवे के ऊपर खड़े होकर देखो, ब्रिज के ऊपर हिलता है वो, किसी ब्रिज पे खड़े हो जाओ पक्का हिलेगा। तो इलास्टिक लिमिट है, अगर वो ज्यादा हो गई, मतलब सपोर्ट है ना, तो इलास्टिसिटी इसकी खत्म हो गई जिसने सपोर्ट किया है, तो फिर ठीक है ब्रिज टूट जाएगा। ठीक, तो ऑब्वियसली चेकिंग होती है, और चेकिंग होके अगर पता लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो फिर नहीं लगे। ठीक, नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी इज अप्लाइड इन डिजाइनिंग अ ब्रिज सच दैट इट मे नॉट बेंड। कितना बेंड रखना है ब्रिज में, ज्यादा रख दिया, कम रख दिया, तो कितना रखना होता है, ये इलास्टिसिटी की लिमिट बताती है। तो ये फॉर्मूला हमने करना नहीं, वैसे बुक्स में लिखा हुआ है, डिप्रेशन है ये, डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब कितना बेंड हो गया उसको डिप्रेशन बोलते हैं। बीम ऐसे था, बीम कितना डिप्रेस हो गया, नीचे की तरफ गया बाय डेल्टा, डेल्टा ये इसकी वैल्यू है, पर ये आती नहीं है इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे वैसे बता रहा हूँ कि बीम्स वगैरह या बिल्डिंग के बीम्स हैं उस पर लोड होता है तो कितना इलास्टिक होगा वो स्टडी किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली यही चीज़ है, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, जो पहली शीट थी वो 106 थी, ये 107 होगी, मेरे को सेकंड शीट है, ये शीट चेंज हुई है, ये नहीं अभी चेंज नहीं हुई यार, वही शीट है, सेम चल रही है, 106 ही आई अभी। हाँ सेम 106 ही चल रही है शीट, तो यार चेंज नहीं हुई अभी, चेंज होएगी मैं बता दूंगा अभी, नेक्स्ट अभी आएगी। देखो ये हमने कर लिया अभी शॉर्टकट, ये कुछ ऑब्जेक्टिव के शॉर्टकट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में लिखे होते हैं, तो मैंने भी लिख दिए इसमें, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। देखो क्या, इफ अ वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग एंड इज स्ट्रेच्ड अंडर इट्स ओन वेट, अपने वेट से वो लंबी हो रही है, तो फिर यंग्स मॉडुलस में फोर्स इसका वेट होगा अपॉन एरिया, लेकिन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल नहीं, डेल्टा एल बाय टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर होगा, एल बाय टू। कोई अगर ये मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि वायर का अपना वेट भी है और नीचे ब्लॉक भी है, अब क्या कर?